हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में हम बनाएंगे गिट्स के पैकेट से बासमती राइस खीर। ये रेडीमेड पैकेट है जिसमें आप घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट खीर। और दोस्तों, ये आपको इजीली मिल जाएगा, मुझे ये मिला है सुपरमार्केट में, और अगर आप देखेंगे तो छोटी दुकानों में भी हमें मिलता है ये। तो ये पैकेट है गिट्स का डेजर्ट मिक्स बासमती राइस खीर। इसमें आप 625 ml आप खीर बना सकते हैं। इसका नेट वेट है 100 ग्राम। दोस्तों, 625 ml का मतलब है कि आप कम से कम मीडियम साइज़ के जो बोल होते हैं उसमें आप 4 पर्सन के लिए आप बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स में आप देखेंगे तो इसमें हमें मिलता है शुगर, बासमती राइस, राइजिंग मिल्क, सॉलिड आलमंड, पिस्ताचियोस, कार्डमम और सैफ्रन मिलता है हमें। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। बासमती राइस जो हमें मिलता है दोस्तों, हमें कूटा हुआ मिलता है चावल, हमें बासमती राइस के सैगे नहीं मिलते, हमें टूटे हुए मिलते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी ये खीर बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे ऊपर में 3 स्टेप्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो बनाने का जो तरीका है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों में हमें आसानी से मिल जाता है, जो कि आप समझ के कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बनाना से शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम उसे ओपन कर लेते हैं। इसका मैंने आपको प्राइस बताना भूल गई, इसका प्राइस है 60 रुपीज़ है दोस्तों, और 12 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चर। ओपन करने के बाद दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए इसका जो मिश्रण है, इसमें आप देखेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स दिए गए हैं, चावल है और शक्कर भी दोस्तों इसमें दिया गया है। मैंने जब इसे बनाया तो इसमें जो इसका टेस्ट था उसमें शक्कर थोड़ी ज़्यादा है, मतलब मिठास है इसमें, बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं है खीर। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठी पसंद है तो आप शक्कर इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा और मिला सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे ड्राई फ्रूट्स भी दिए गए हैं, बादाम, किशमिश वगैरह दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं 4 पर्सन के लिए बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने ये बड़े से कप में 1 कप डाल दिया है। मैंने लगभग 4 कप मैंने इसमें दूध मिलाया है, तो एक बड़ा कप है मेरे पास, तो ऐसे में 2 कप मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा पहले हम दूध को गर्म करेंगे और उसके बाद ही हमें मिश्रण को डालना है। तो ठंडे दूध में आप ना डालें इस मिश्रण को, जैसे दूध गर्म होता है वैसे हम इसमें डाल देते हैं। और ये देखिए मैंने डाल दिया है, और मध्यम आँच में हमें इसे बॉईल करना है 15 मिनट तक। और दोस्तों, ये हमें इसे ढकना नहीं है, कुछ समय के बाद हम चम्मच से इसे चलाते रहेंगे, और साइड से भी हमें किनारे को हटा देना है, जो मलाई है जो चिपकती है साइड में उसे हम हटाते जाएंगे। ये देखिए अब इसमें से उबाल भी आने लग गई है, और अभी आप देखेंगे तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, हमें गाढ़ा होने तक इसे पकाना है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था, 1/2 छोटा कप, वो इसलिए क्योंकि हमें जो इसमें चावल है उसे पकने को टाइम लग सकता है, और ये जो दूध है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इसलिए मैंने डाल दिया था। और ये देखिए अच्छी से उबाल आ रही है अब इसमें से, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा गाढ़ापन भी हो गया है। मैंने इसे एक बार भी नहीं ढका है दोस्तों, मैंने ऐसे ही खुले में बनाया है, और आप भी ऐसे ही करिएगा, नहीं तो ये गिर सकती है इसकी उबाल आने से। ये देखिए काफ़ी अच्छा इसका बनावट हो गई है। तो अगर आपके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स है तो आप इसमें डाल सकते हैं, मैंने जैसे घर की कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए हैं, अंजीर, बादाम और मैंने काजू इसमें काट के डाल दिया है। और ये अच्छे से अभी ये बॉईल हो गया है, अच्छे से बन चुका है, और बहुत ही बढ़िया सा इसमें गाढ़ापन आ गया है दोस्तों। और बीच बीच में मैंने इसे हिलाया है चम्मच से, तो इसका आप ख्याल रखिएगा, हमारा ये जो बासमती चावल है ये कढ़ाई में चिपक सकता है, इसका ध्यान रखना है आपको, इसलिए चम्मच से आप बीच बीच में चलाते रहें। और बहुत जल्दी ये बनके तैयार हो गया है दोस्तों, अगर आपके घर में कभी मेहमान आते हैं तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं, सभी कुछ इसमें दिया रहता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये गिट्स के पैकेट से। तो यहाँ पे ये बन गया है, और आप चाहे तो गर्मा गर्म परोस सकते हैं, या फिर कुछ देर के लिए आप रख दें ठंडा होने के लिए। अगर आप दोस्तों ठंडा होने के लिए रखते हैं, देखिए इस तरह से जैसे मैंने रख दिया था तो कितना गाढ़ा हो गया है, ऊपर मलाई भी जमाई है। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें शक्कर नहीं मिलाया है क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा मीठा हम लोग लेते नहीं है, तो जो लोग ज़्यादा मीठा लेते हैं उन्हें मिलाना होगा इसमें शक्कर। वैसे तो इस पैकेट में शक्कर दी गई थी, अच्छी खासी दी गई थी दोस्तों। तो अब ये टाइम आ गया है इसे परोसने का, पहले मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ इसे।
है दोस्तों, आप बनाइएगा। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। और अगर आपको इसका मेथड अच्छा लगा है मेरे चैनल में, अगर आप पहली बार आए हैं तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ नज़दीक से, देखिए कितना स्वादिष्ट दिखने में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये खीर कितनी अच्छी बनी है। दोस्तों घर में, हमारे घर में सभी को पसंद आया, छोटे बड़ों को, और इसका जो स्वाद है सभी को पसंद आया, अच्छा लगा है। इसे मैंने पहली बार मंगवाया अपने चैनल के लिए खासकर। तो अभी दोस्तों इसका आपको, आप देखेंगे ना तो आपको मार्केट में इससे बड़ा पैकेट भी मिल जाएगा, ताकि आपके घर में अगर बड़ी फैमिली है तो उनके लिए भी आप बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर आपको इसका वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।